भैया, अब जब कंस मामा ने रथ भेजा है तो हमें तो मथुरा जाना ही होगा। अगर वो हमसे युद्ध करना ही चाहते हैं तो हमें भी ये युद्ध करने से कोई आपत्ति नहीं। अवश्य, हम युद्ध अवश्य करेंगे। सारा वृंदावन इस बात से दुखी था कि कृष्ण के चले जाने से अब गांव सुनसान हो जाएगा। कौन अब गांव में लीला करेगा? अपनी मधुर बंसी से कौन सबका विचलित मन शांत करेगा? अपने कान्हा को जाता देख सभी दुखी थे, लेकिन कृष्ण की आंखें तो बस एक ही का इंतजार कर रही थी। सभी तो यहाँ हमें विदाई देने आए हैं, लेकिन राधा हमसे मिलने क्यों नहीं आई? क्या उन्हें ज्ञात नहीं कि हम यहाँ से जा रहे हैं? क्या जाने से पहले उन्होंने हमसे मिलना जरूरी नहीं समझा? हम स्वयं ही उनके पास जाएंगे। सबकी नजरों से बचते हुए कृष्ण राधा से मिलने गए। राधे, सभी हमें विदाई देने आए हैं, लेकिन तुम नहीं आई, क्या इसकी वजह जान सकता हूँ मैं? मेरा हृदय उन सबकी तरह इतना मजबूत नहीं जो अपने कान्हा को जाते हुए देख पाऊँ। भले ही आप हमसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से आप हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ राधे। जाने से पहले मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे? मांगो राधे, क्या मांगना चाहती हो? हमें वचन दीजिए कि हमारे हृदय में हमेशा केवल आपका ही वास रहेगा और हमारी मृत्यु से पूर्व हमें आपके दर्शन अवश्य होंगे। हम वचन देते हैं, लेकिन हम भी आपसे एक वचन चाहते हैं। कैसा वचन? हमारे जाने के पश्चात आप हमारे विलाप में एक भी आंसू नहीं बहाएंगी। हम पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा नगरी चले गए, जहां पहुंचकर उन्होंने कंस के साथ साथ सभी राक्षसों का भी वध किया और साथ ही अपने माता पिता वासुदेव और देवकी को भी मुक्त करवाया। इसके बाद श्री कृष्ण ने द्वारका की ओर प्रस्थान किया, जिस कारणवश उनका नाम द्वारकाधीश भी पड़ा। कुछ साल बाद उनका विवाह रुक्मणी से और सत्यभामा से हो गया। इसके साथ ही श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी, लेकिन उन सब में से रुक्मणी उनकी सबसे प्रिय पत्नी थी। श्री कृष्ण से विवाह हेतु रुक्मणी अपने भाई रुक्मी के विरुद्ध चली गई थी और कृष्ण जी से भागकर शादी कर ली थी और सुखपूर्वक अपनी जिंदगी कृष्ण के साथ बिताने लगी। उधर वृंदावन में राधा का विवाह भी यादव से हो गया। अपना पत्नी धर्म निभाते हुए राधा ने अपने सभी कर्तव्य पूरे किए, लेकिन प्रेम तो वो अभी भी कृष्ण से ही किया करती थी। देखते ही देखते कई साल बीत गए। एक दिन राधा सोचती है, मैंने अपने सभी कर्तव्य पूरे किए, अब मैं अपने सभी कर्तव्यों से मुक्त हूँ, इसलिए अब मैं अपने कान्हा के पास द्वारका चली जाऊंगी। सारे कर्तव्य भली भांति पूरा करने के पश्चात राधा अपने प्रियतम की नगरी द्वारका पहुँच गई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए। द्वारका में राधा को कोई नहीं पहचानता था, जिस वजह से राधा ने कृष्ण से अनुरोध करके उनको अपने महल में सेविका का कार्यभार देने के लिए कहा। प्रभु, मुझे अपने महल में सेविका का कार्यभार सौंप दीजिए, मैं इस महल में रहकर भली भांति यह कार्य कर लूंगी। जैसी आपकी इच्छा। राधा महल में रहकर ही अपना कार्य सही तरीके से करने लगी और मौका मिलते ही कृष्ण को चुपके से देख लिया करती थी। एक दिन अपने महल में सो रहे कृष्ण रात को नींद में कहते हैं, राधे राधे श्री कृष्ण राधे, राधे राधे श्री कृष्ण राधे। उनके मुख से राधा का नाम सुनकर रुक्मणी को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन वो कृष्ण से पूछती है, स्वामी, आप कल सारी रात स्वप्न में राधा का ही नाम ले रहे थे, आखिर ऐसी क्या खास बात है उस राधा में? रुक्मणी, तुम एक बार राधा से मिलकर आओ, उनकी खासियत तुम्हें अपने आप पता चल जाएगी। ठीक है, फिर तो हम अभी उनसे मिलकर आते हैं। किंतु वहाँ जाने से पहले उनके लिए कुछ लेती हुई जाना। अवश्य। इसके पश्चात रुक्मणी राधा के लिए गर्म दूध का एक गिलास लेकर जाती है। राधा के महल में पहुँचने पर द्वार पर तेज प्रकाश चेहरे के साथ एक महिला खड़ी होती है। क्या तुम ही राधा हो? नहीं, मैं तो उनकी दासी हूँ। राधा तो सात द्वार पार अपने कक्ष में आराम फरमा रही होंगी। इसके बाद रुक्मणी वो सात द्वार पार कर राधा के कक्ष में पहुंच जाती है। अभी इन्हें सोने दीजिए महारानी, राधा कई रातों से श्री कृष्ण के नाम का जप कर रही है और इन्हें बड़ी मुश्किल से अब नींद आई है। श्री कृष्ण ने मुझे राधा से मिलने के लिए भेजा है। इतने में राधा उठकर बैठ जाती है और कहती है, कृष्ण ने मुझसे मिलने के लिए किसी को भेजा है? ये देख रुक्मणी हैरान रह जाती है।
केवल श्री कृष्ण का नाम लेने भर से ही आप जाग गई। खैर, उन्होंने आपके लिए यह प्रसाद भेजा है। मेरे लिए प्रसाद? राधा बिना सोचे समझे ही वह गरम गरम दूध पी लेती है। रुक्मणी ये देखकर हैरान रह जाती है। फिर कुछ देर तक राधा से बात करने के बाद रुक्मणी वापस अपने महल में चली जाती है। रात के समय जब रुक्मणी कृष्ण जी के पैर दबा रही होती है तो वो देखती है कि उनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है और कृष्ण जी से पूछती है, स्वामी आपके पाँव में ये छाले कैसे? आप कहाँ पैदल गए थे जो आपके पाँव में छाले पड़ गए? आपने गलती से राधा जी को गर्म दूध पिलाया था, जिसे राधा एक ही बार में पी गई थी, जिससे उनके हृदय में छाले पड़ गए हैं और उनके हृदय में हमेशा मेरे चरण कमल विराजमान रहते हैं, जिस वजह से मेरे पाँवों में भी छाले पड़ गए हैं। आज मुझे समझ आया स्वामी कि प्रेम शरीर से नहीं हृदय से होता है, जो हमेशा राधा के हृदय में कृष्ण के चरण रूप में विराजमान रहता है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। अब राधा कृष्ण के साथ पहले की तरह आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी, जिससे परेशान होकर राधा सोचती है, कान्हा से मिलने के बाद मुझे वो पहले जैसे प्रेम का आभास क्यों नहीं हो रहा? मुझे वो प्रेम का आभास और जुड़ाव की कमी क्यों लग रही है? कान्हा जो दूर होकर भी मेरे हृदय के करीब थे, आज वो इतने पास होकर भी मेरे पास क्यों नहीं लग रहे? ना जाने क्यों, पर मुझे उस प्रेम की अनुभूति क्यों नहीं हो रही, जो इतने सालों से मुझे मेरे कान्हा से अब तक जोड़कर रख रही थी। दिन रात इस दुविधा में रहने के बाद राधा ने द्वारका का वो महल छोड़ने का निश्चय किया और वहाँ से चली गई। और इसकी अनुभूति कृष्ण को भी हो गई और वो उसके पीछे पीछे जंगल की ओर चल दिए। राधे, क्या हुआ राधे? मैं अब इस संसार का भाग नहीं बनना चाहती कान्हा। राधे, पर तुम्हारे बिना मैं क्या करूँगा? अब मैं आपके भीतर विलीन होना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ, बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी? कान्हा, मैं अपने आखिरी पलों में बांसुरी की वही धुन सुनना चाहती हूँ जो तुम सिर्फ मेरे लिए बजाया करते थे। उदास मन और आंखों में आंसू लिए कृष्ण बांसुरी की वही धुन बजाते हैं जिसे राधा सुनना चाहती थी। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और सदा सदा के लिए अपने कान्हा में विलीन हो गई। राधा के शरीर त्यागने के बाद रोते हुए कृष्ण जी ने कहा, राधे तुम और तुम्हारे प्रेम की याद सदा मेरे दिल में रहेगी। अब जब तुम ही नहीं रही तो इस बांसुरी का मैं क्या करूँगा? हालांकि भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद इसके वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में आंखों में आंसू और दिल में उदासी के साथ वो बांसुरी तोड़कर फेंक दी और आंखें बंद करके राधा की याद में खो गए। इसके बाद ताउम्र कभी उन्होंने बांसुरी नहीं बजाई। एक समय की बात है, धर्मपुर गांव में यशपाल नाम का एक किसान रहता था। यशपाल के पास खेत खलिहान के साथ साथ तीन गाय भी थीं, जिनको यशपाल हर सुबह चारा खिलाता, उनका दूध निकालता, उन्हें पानी पिलाता तथा उनकी खूब सेवा करता था। यशपाल राधा कृष्ण का बहुत बड़ा सेवक था, इसलिए वो कार्य करते हुए सदैव राधे राधे बोलता रहता था। ऐसा कई वर्षों से चला आ रहा था। ऐसे ही एक दिन यशपाल जब सभी गायों को चारा खिला रहा था, राधे 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 राधे, अरे मेरी ये गाय तो राधे राधे बोल रही है, ये कैसे हो सकता है? कमला ये देखो, हमारी तीनों गायों में से ये गाय मेरे साथ राधे राधे बोलने लगी है। अच्छा, एक बार मैं भी तुम्हारे साथ बोलती हूँ, बोलो राधे 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 राधे। देखा, मैं कह रहा था ना, हम राधे राधे बोलते हैं तो ये हमारे साथ बोलती है। ये तो सचमुच राधा कृष्ण की कोई लीला है जो ये गाय राधे राधे बोल रही है। यशपाल और कमला ने जैसे ही राधे राधे रटना शुरू किया, वैसे ही उस गाय ने भी राधे राधे नाम रटना शुरू कर दिया। यशपाल ने जब ये चमत्कार देखा तो वो सीधा राधा कृष्ण मंदिर गया
और वहां जाकर उसने ये बात मंदिर के पुजारी जी को बताई। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। सभी गांव वाले उस गाय को देखने पहुंच गए और सबके सामने यशपाल ने राधे राधे का नाम जपना शुरू किया तो गाय ने भी ऐसा ही किया। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ये तो जरूर भगवान कृष्ण की भेजी हुई कोई चमत्कारी गाय दिखाई पड़ती है, जैसे उनका कोई आशीर्वाद हो। हाँ यशपाल भैया, ये सच है, तुम्हारी गाय राधे राधे बोलती है। ये देखकर तो बहुत आश्चर्य हो रहा है। यशपाल, ये गाय कोई साधारण गाय नहीं है, ये कोई पुण्य आत्मा है और तुम्हारे यहाँ इसका आना तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण हुआ है। इसे एक बार मंदिर लेकर चलो, फिर देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है पुरोहित जी, चलो कमला हम अपनी गाय को मंदिर ले चलते हैं। सब लोग मिलकर गाय को मंदिर लेकर जाते हैं। मंदिर में राधा कृष्ण जी की बड़ी सी मूर्ति थी जिसे वो गाय एक टक देखे जा रही थी। उसी समय मंदिर में भजन कीर्तन शुरू हुआ। मंदिर में सभी राधे राधे का नाम जपने लगे। देखते ही देखते गाय भी राधे राधे बोलने लगी और उसी समय उसके थनों से स्वयं दूध निकलने लगा। गाय के नीचे बड़ा सा बर्तन लगाया गया जो कि दूध से पूरा भर गया। ऐसा चमत्कार देखकर गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। यशपाल, तुम इस गाय को मंदिर को दान कर दो, ये यही राधा कृष्ण के दर्शन करती रहेगी और ये जो भी दूध देगी उससे मंदिर का प्रसाद बनाकर भगवान को अर्पण कर दिया करेंगे। ठीक है पंडित जी, जैसी प्रभु की इच्छा, राधे राधे। यशपाल घर आकर उस गाय के बारे में सोचता रहा और तभी उसकी आंख लग गई और उसे सपने में वही गाय दिखाई दी। यशपाल, मैं जानती हूँ तुम मेरे बारे में ही सोच रहे हो, इसलिए तुम्हें अपने बारे में बताने आई हूँ। पिछले जन्म में मैं अपने पति के साथ एक मंदिर के बाहर फूल बेचा करती थी। राधे राधे, जय राधे कृष्ण की। अरे तुम हर समय मेरे सामने राधे राधे मत बोला करो, जब देखो राधे राधे बोलते रहते हो। भगवान, राधे राधे बोलने से हमारे जीवन को मोक्ष की प्राप्ति होती है, समझी? अरे अगला जन्म किसने देखा है, मुझे अगले जन्म में कौन सा ये जन्म याद रहेगा कि मैंने भगवान का नाम लिया भी था या नहीं। अभी तो इस जन्म में तो मुझे काम करने दो, पहले इस जन्म को तो काट लूं, अगला जन्म पता नहीं किसको क्या मिले। मैंने अपने पति की बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि हमारे इस जन्म के कर्म हमारे अगले जन्म को तय करते हैं। मेरे पति राधे राधे रटते रहते थे पर मैं भगवान को बिल्कुल नहीं मानती थी। मैं जिस मंदिर के बाहर फूल बेचती थी उस मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन कभी नहीं करने गई और ना कभी उनकी पूजा की। इसके अलावा मैंने कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया। मेरे पति ने मुझे बहुत समझाया पर मैं नहीं मानी, उल्टा अपने पति को भी ये सब करने के लिए मना करती रही। इसी कारण मुझे गाय का जन्म मिला जो कि कुछ नहीं बोल सकती, बस सिर झुकाकर चारा खा सकती है या दूध दे सकती है। लेकिन जब कई सालों तक मैंने तुम्हें राधे राधे रटते देखा तो मुझे मेरा पिछला जन्म याद आ गया और मैंने कोशिश करके किसी तरह राधे राधे बोलना शुरू कर दिया। तुम्हारे कारण ही मुझे इस जन्म में राधा कृष्ण के दर्शन हो पाए। मैं हृदय से तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरी यही इच्छा है कि इस मंदिर में भगवान के दर्शन करते और राधे राधे रटते हुए मेरे प्राण निकले। इतना कहते ही वो गाय अदृश्य हो गई और यशपाल का सपना टूट गया। यशपाल ने ये बात मंदिर के पुजारी जी को बताई। उसके बाद से गांव वालों का विश्वास राधा कृष्ण मंदिर में और बढ़ गया और वो सब राधे कृष्ण की पूजा के साथ साथ राधे राधे बोलने वाली गाय की भी पूजा करने लगे।